हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल विद्या क्लासेस। टुडे वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ द टेंसेस। टेंसेस इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्रामर। देन वी स्टार्ट, लेट इज़ द चूज द करेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस और द परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर वन, दे फिल इन द ब्लैंक्स द मेंटेन टू एज आवर एंड एज अबाउट टू फ्लूड टू फिनिश। रेक्टाइल हैव रेक्टाइल आर रेसिटिंग हैव बीन रेसिटिंग। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आपका ये क्वेश्चन में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एक तो है कि रेक्टाइल मतलब कोई लेसन है आपका, हैव रेक्टाइल कुछ पढ़ रहा है, आर रेसिटिंग मतलब पढ़ रहे हैं, और डी हैव बीन रेसिटिंग। तो इसका दोस्तों सही आंसर है, इसका जो अपन देख रहे हैं कि इसमें हैव बीन डाइल, इसका जो सही जवाब है वो है आपका डी आंसर, हैव बीन रेक्टिंग। सेकंड क्वेश्चन, सुविता फॉर ए मंथ बिकॉज ऑफ स्किन डिसीजेज। सुविता एक महीने के लिए क्या हुआ बच्चों, एक महीने से जो है स्किन एलर्जी से क्या हो रही है, हैव नॉट स्विम, तैरना नहीं आता, हैव इज़ नॉट बीन स्विमिंग, तैराकी नहीं कर रही है, इज़ नॉट स्विमिंग, तैराकी नहीं कर रही है, और यह है डी ऑप्शन। तो इसका सही जवाब है सेकंड का बी ऑप्शन, हैज़ नॉट स्विमिंग। ओके गाइस, तो बी ऑप्शन की तरफ टिक करिए। थर्ड क्वेश्चन, भारतीय फिल इन द ब्लैंक्स योगा क्लासेस दीज डेज। अटेंडिंग, हैज़ अटेंडिंग, इज अटेंडिंग, हैज़ बीन अटेंडिंग। तो थर्ड ऑप्शन है सी आपका, इज़ अटेंडिंग, कि भारतीय जो है अपनी योग कक्षा इन दिनों में क्या नहीं हो रही है, भाग उपस्थित नहीं है, उपस्थित है, हैज अपने उपस्थित हो ले रही है या ले रही है। पुल नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकित ऑन हिज प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, वर्किंग, हैज बीन वर्किंग, इज़ वर्किंग और हैज़ वर्किंग। तो पुलकित के साथ ऑन ए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी की तरफ आप चाहिए, इज़ वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनीता फिल इन द ब्लैंक्स सम इंफॉर्मेशन फॉर्म द इंटरनेट। डाउनलोडिंग, इज डाउनलोडिंग, हैज़ डाउनलोडिंग एंड हैज़ बीन डाउनलोडिंग। तो क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इज़ डाउनलोडिंग। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको ये बताया गया है कि वी फिल इन द ब्लैंक्स ईच अदर फॉर द मैनी ईयर्स नाउ। तो सिक्स क्वेश्चन का ऑप्शन है बी, हैव नोन। नेक्स्ट, जूही एंड हर फ्रेंड फॉर द 10 मिनट। जूही और उसकी दोस्त जो है दस मिनट के लिए क्या करना चाहते हैं, गॉसिप करना चाहते हैं, गपशप कर रहा है या कर रहा है। तो बेटा, ये इसमें सही ऑप्शन जो है सेवेंथ का वो ये है कि ये गपशप कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, हैव बीन गॉसिपिंग। द कैंडल हैव बीन बर्निंग फॉर द 2 ईयर्स नाउ। जो कैंडल है आपकी, ये बताया गया है कि जो कैंडल है वो के लिए जल रहा है, के लिए एक, क्योंकि एक है, हैज़ हैव हैड नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी है, हैव कैंडल है सिंगल ए एक। द साइंटिस्ट हैव बीन एक्सप्लोरिंग द टेरिसरी। इसका सही ऑप्शन जो है आपका
हैज़ सिंगल सिंगल फॉर्म है तो इसका हैव होगा, ये ऑप्शन आपका गलत है। ओके द साइंटिस्ट बीन एक्सप्लोरिंग द टेरिटरी इज सिंस लास्ट दिसंबर, तो जो साइंटिस्ट है वो भी आपका सिंगल पर्सन है जैसे एट्थ क्वेश्चन की तरफ, तो इसमें भी आप हैज की तरफ जा सकते हैं। मैकडोनल्ड आई फिल इन द ब्लैंक्स इट लव्स एम लविंग लविंग हैव बीन लविंग, तो टेंथ क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपका है एम लविंग। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बी की तरफ जा रहे हैं, बी में अपना है फिल इन द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट और द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 11th दिस हाउस फिल इन द ब्लैंक्स टू मी फॉर द 20 ईयर, तो इसमें आपका है हैज़ बिलोंगड हैज बिलोंगड, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है हैज बिलोंगड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 13 में है कि कोई भी 12 नंबर है आलसी नौकर है वो बहुत ही कम काम करता है, आज उसने बहुत कम काम किया, तो डू डन एज डन हैड डन, तो इसकी तरफ से जा सकते हैं कि इसने आज कम काम किया, तो इस ऑप्शन नंबर हैज डन की तरफ जाएंगे अपन, हैज डन की तरफ जाएंगे तो हैज डन। 13 क्वेश्चन आई फिल इन द ब्लैंक्स एन एक्सीडेंट टुडे आई डू नॉट नो द मैन, हम उस आदमी को नहीं जानते हैं, हम उस आदमी को नहीं जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर 13 है, 13 का बी है, हमने उसको नहीं देखा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया फिल इन द ब्लैंक द वन डे मैच यस्टरडे, तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका जिसमें कि आपका ऑप्शन नंबर सी है इंडिया वन द वन डे मैचेस यस्टरडे, वन द वन डे मैचेस यस्टरडे, वेस्ट इंडीज फिल इन द 313 एट 2 विकेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द टेस्ट मैच, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ये जो है आंसर सी है कि भारत ने एक दिवसीय मैच कल, कहने का मतलब स्कोर से स्कोर्ड या हैव स्कोर्ड हैड स्कोर्ड, तो इसके साथ अपन वेस्ट इंडीज के साथ हम लोग हैव स्कोर की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 जनक फिल इन द ब्लैंक्स द किंग ऑफ द सिटी ऑफ द मिथिला, तो ये आपका जनक आपका सिंगुलर फॉर्म है 16 नंबर, और ये जो है आपका वाज इसमें लगेगा, आपका जो लगेगा टेंस यूज होगा कि वो थे हमारे राजा थे मिथिला के। नेक्स्ट एलिजाबेथ जो कि आप देख रहे हैं कि क्वीन थी हमारी इंग्लैंड की क्वीन थी ऑफ द मैनी ईयर एंड द सी इज़ द स्टिल द क्वीन, नो इज नाउ टिल डेट सी इज़ नॉट ए क्वीन ही इज सी एक्सपायर्ड ऑन द एज ऑफ 96, नाउ चार्ल्स थर्ड इज़ द किंग ऑफ द इंग्लैंड, तो ऑप्शन अब एलिजाबेथ के साथ अपन इस ऑप्शन में किस में जाएंगे, अपन को एलिजाबेथ के साथ इसमें हम किस में जाएंगे हैज़ बीन के साथ नहीं जाके हम इसमें हम हैज़ बीन द किंग ऑफ इंग्लैंड फॉर द मैनी ईयर। ओके नाउ ही इज़ नॉट स्टिल द क्वीन, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इट इज़ ऑलरेडी 10 o'clock एंड आई फिल इन द ब्लैंक्स द न्यूज़पेपर इन दिस मॉर्निंग, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी है, ए है डिड नॉट रीड हैव नॉट रीड हैव नॉट बीन रीड, तो इस ऑप्शन नंबर बी है आपका हैड नॉट रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 वी फिल इन द ब्लैंक्स 3 lessons दिस वीक कंप्लीटेड डिड कंप्लीट हैव कंप्लीटेड हैड कंप्लीटेड, तो इसमें आप लोगों का जो ये आप लोगों का 10 सुबह से आपने अखबार किसी ने नहीं पढ़ा है ने नहीं पढ़ा है और आपने ने पढ़ रहा नहीं पढ़ा है, तो इसमें आप जो है हैव नॉट रीड जाएंगे। 19 में है वी फिल इन द ब्लैंक्स 3 lessons दिस वीक, हमने 3 lessons कंप्लीट किए, तो 3 lessons कंप्लीट किए आपने, तो वी के साथ हम लोग जानते हैं कि हम हैव लगाते हैं आई वी यू, दे के साथ अपन हैज़ लगाते हैं, बाकी के साथ हम जो है हैव का प्रयोग करते हैं। ओके नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन, आई फिल इन द ब्लैंक्स, नेवर फिल इन द ब्लैंक्स टू अमेरिका। तो क्वेश्चन में आप लोगों का इसमें देखिए आप लोगों का ऑप्शन लगे भी हैं कुछ, ये आपका आई के साथ क्या अभी बताया मैंने, आई वी यू दे के साथ हैव, है ना, हैव बीन, आई हैव नेवर बीन टू अमेरिका। ओके नेक्स्ट पार्ट है जिसमें फिल इन द करेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। इन 21 क्वेश्चन देखिए, ही बबलिंग विद द जॉय टुडे, वर्ब वाज विल बी नन ऑफ दिस। 21 क्वेश्चन के साथ जा सकते हैं बी ऑप्शन के साथ, ही वाज बबलिंग विद द जॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट फिल इन द ब्लैंक्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। तो 22 क्वेश्चन के साथ अपन जाना चाहते हैं, तो इसमें आपका क्या आएगा, इट के साथ, और ये कैट एंड डॉग के लिए आ रहा है, ये आपका क्या है, कैसा थिंग से, तो ये आपका इट वाज रेनिंग आएगा, इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग के साथ अपन जा सकते हैं। 23 क्वेश्चन, वी डिस्कसिंग द वाटर प्रॉब्लम विद द विलेजर्स, हम डिस्कसिंग कर रहे हैं विलेजर्स के साथ वाटर की प्रॉब्लम को, तो वी के साथ अपन देख रहे हैं कि ये वी के साथ आई होता तो हम वाज लगा देते ही के साथ, लेकिन वी के साथ हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हमें इसमें आपको पास्ट परफेक्ट में जाना है, जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने देखा कि पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म में गए, और इसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट जाएंगे। 24 क्वेश्चन जिसमें कि बताया गया है कि 19th century ए टी टी कल्चर इन आयरलैंड वाज डेवलपिंग, विल डेवलपिंग, हैड डेवलपिंग, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ अगर मूव करते देखते हैं तो इसमें हैड डेवलप्ड हो चुका था वहाँ पर आपका 19वीं सदी में, एक चाय संस्कृति जो है वो आयरलैंड से क्या हो चुकी थी, विकसित हो चुकी थी, विकसित हो रही थी नहीं, उसमें आपका क्या हुआ था कि विकसित हो चुकी थी, ठीक है। हैड डेवलप्ड का मतलब हो गया कि आपका एक ऑप्शन हुआ कि हो रहा था, इसमें होगा, और इसमें विकसित किया, तो हैड डेवलप्ड का मतलब हो गया विकसित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस्टरडे आई रीड ए पोएम विच माई टीचर टू मी। यस्टरडे जो हमने एक कविता पढ़ी, मेरे शिक्षक ने क्या किया, हैड रिकमेंडेड, सिफारिश की थी, हैड रिकमेंडेड मतलब की थी, रिकमेंडेड मतलब उसने रिकमेंडेड किया, सिफारिश किया, है विल बी रिकमेंडेड वो करेगा हमारे लिए, रिकमेंड करेगा, और हैव रिकमेंडेड का मतलब रिकमेंड की है। तो 25 क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन जो होगा कि उसने हमारे लिए रिकमेंड किया था, हमारे टीचर ने जो है पोएम को के लिए रिकमेंड किया था। ओके तो हैड रिकमेंडेड के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय वन द मैच ऑल्दो द टेनिस बिफोर। 26 के साथ अपन जाएंगे, तो इसमें अजय ने मैच जीता टेनिस का, विल नॉट प्ले, हैड नॉट प्लेइंग, हैड नॉट प्लेड, तो इसमें हम लोग हैड नॉट प्लेड की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम मूव करते हैं। 27 क्वेश्चन में हम जो है ये देखेंगे कि ये हमारा एक पैरा है जिसको हम लोग फिल करना है। सडनली द बसेस फिल इन द ब्लैंक्स, 27 फिल इन द ब्लैंक्स रसेल। तो यहाँ पर पहले ही हम लोग चलते हैं, इसमें आप लोगों को देखिए कि जो आप लोगों का सडनली जो है इसमें, इसको अगर हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये देखिए इसको ये लिखा हुआ है कि एक कोई बस रस्टल फादर बस डेवलप द ग्राउंड, एक जो बसेस था झाड़ियों के पास जो है एक आवाज़ सी हुई जिसके कारण से फादर वल्फ भेड़िए का जो ग्रुप फादर था वो ग्राउंड पे गिर गया, और उसके बाद उसने उसके बाद एक शिकारी था जिसने कि उसकी छलांग लगाई। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसमें आप लोगों का 27th क्वेश्चन में पहले आप ऑप्शन पे जाइए कि आप लोगों का ये होगा कि रस्टल्ड मतलब एक आवाज़ सी आई, वहाँ पर एक आवाज़ सी आई, रसेल का ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रसेल का पास्ट टेंस आएगा, ये रस्टल का पास्ट टेंस आएगा, रस्टल्ड आएगा। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, 28 में आप लोगों का नेक्स्ट है प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, यहाँ पे आप प्रिपेयर्ड देख रहे हैं, तो प्रिपेयर्ड में आप जो फॉर्म लगाएंगे वो भी लगाएंगे आप, प्रिपेयर्ड है ठीक है, यहाँ पे आप प्रिपेयर्ड लगाएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका इसमें आप देखिए, नेक्स्ट है होल्ड ऑन है, नेक्स्ट होल्ड ऑन है 29, होल्ड ऑन क्राइड मदर वुल्फ इट इज़ द मैन कब, तो इसमें आप लोग जो ऑप्शन लगाएंगे वो जाएगा आपका होल्ड, इसमें आप होल्ड की तरफ जाइए ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर इट 30 बी ए लिटिल बेबी हु वाज द जस्ट लर्निंग टू वॉक, तो बी की जगह आप लोग लगाएंगे इसकी, सेकंड फॉर्म बी के साथ आप लोग जो जाएंगे वो आप लोग यहाँ पर एज लगाएंगे। नेक्स्ट आप लोगों का हु वाज जस्ट लर्निंग टू वॉक ही लुक, लुक का फॉर्म जाएगा आपका लुक्ड इन द फादर फेस ऑफ 30 एंड द फेस, इसमें आपका लाफ है, लाफ के साथ आप लोगों का ऑप्शन जाएगा लाफ्ट, नेक्स्ट फादर वॉल 33 क्लोज, क्लोज के साथ आप लोगों का जाएगा ऑप्शन नंबर